ये रोज़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये नज़र आ रहा होगा गुम्बद, इसकी वजह से सही से नज़र नहीं आ रहा। और ये इसी के इधर 360 गेट नंबर 360 और 359 गेट नंबर, इन दो के बीच में ये जन्नतुल बकी है। मैं जन्नतुल बकी पूरा घूम के आ गया पर मुझे वो कब्रें नज़र नहीं आई। हो सकते मेरी वीडियो में कहीं हो, जिस तरीके से लोग मुझे बताते थे कि वो पांच अलग सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उनके जाली लगाई हुई, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। दोपहर में फिर कोशिश करूँगा, मैं किसी यहाँ दफनाया जाता है अभी भी लोगों को, तो मैं कोशिश करूँगा किसी के मुर्दे के साथ उसकी मैयत उठा के साथ चलूँ, तो हो सकता कहीं मुझे नज़र आ जाए गेप से, कोई खुदा का करम हो। तो अभी तक मुझे नज़र नहीं आया, मैंने काफ़ी चक्कर लगाए अंदर, सही से लगाया देखा, सही से देखा। तो अब मैं ये रसूल खुदा के रोज़े मुबारक पे जा रहा हूँ। ये लोग जो बैठे हुए हैं ये रियाजुल जन्ना जाने के चक्कर में बैठे, मैं लड़का हूँ, हमारा जो टाइम है रियाजुल जन्ना में जाने का वो 11 बजे के बाद है, तो इंशाल्लाह मैं रियाजुल जन्ना जाऊँगा तो आप लोग को बताऊँगा। तो मैंने मदीना मक्का दोनों में आके देखा, लोग इलम से बिल्कुल खाली हैं, इलम से बिल्कुल खाली है, बस आ रहे हैं चक्कर लगा के जा रहे हैं। इलम से बिल्कुल खाली है, इलम से बिल्कुल खाली है, सिर्फ मोहम्मद को मानते हैं कुरान के मुताबिक। मोहम्मद क्या है क्या नहीं है नहीं मानते, मोहम्मद की बेटी को नहीं मानते। अभी एक मनुष्य से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा यार वो बोलता वो किसी को बता रहा था ये उस्मान अफ़ान की कब्र है जो तीसरा इनका सहाबी, इनका सहाबी, इनका वो है क्या कहते हैं उसको खलीफा, मेरा तो नहीं है, मेरा अली और साहिब ज़मान, रसूल खुदा से लेकर साहिब ज़मान तक, तो मेरे तो ही हैं। तो उसकी निशानी रखी हुई है अभी फातिमा सलामुल्लाह जो रसूल खुदा की बेटी है। अगर हम जो मान रहे हैं रसूल खुदा के घराने को मान रहे हैं, उसकी बी फातिमा सलामुल्लाह बेटी की कब्र मुबारक का कोई नाम निशान नहीं, बी फातिमा के बेटा हसन मुस्तफ़ा के को तो मुबारक का कोई नाम निशान नहीं है। अफसोस होता लोगों को, ये रियाज़ुल जन्ना में बैठे हैं सारे अंदर जाने के लिए। दुरूद व पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये रसूल खुदा का रोज़ा मुबारक है और ये लोग परमिट लेके अंदर जाने के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, ये लोग अंदर जा रहे हैं, ये लोग अंदर जा रहे हैं, यहाँ से एंट्री होके अपना टोकन दिखा के परमिट जो होता है वो दिखा के अंदर जा रहे हैं रोज़े रसूल खुदा पे। और लोग निकल भी रहे हैं यहाँ से जो गए थे, अच्छा क्या होगा क्या नहीं, ये तो अल्लाह ही जाने, मैंने परमिट लिया लग रहे वो सही हो, मैं भी अंदर रोज़े रोज़ा रसूल खुदा पे जा सकूँ। ये रसूल खुदा का रोज़ा मुबारक है, अल्लाह अल्लाह। तो जी अस्सलाम वालेकुम, ये रोज़ा रसूल खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। सबसे पहले आप सब दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे और तमाम लोगों के, तमाम चाहे वो ईसाई हो यहूदी हो कोई भी हो, हर एक के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नहीं मानता, वो उनका अपना ताल्लुक अपनी बात है। हम इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर पढ़ें और अपने लिए उस सब तमाम मोमिन मोमिनात के लिए दुआ करते हैं, खुदा सब की हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हम आपसे मिलते रहेंगे आगे की वीडियो में, इसलिए हम रसूल खुदा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के बाहर इंशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद दुरूद व आले मोहम्मद लाखों करोड़ों सलाम दुरूद। ये देखें ये ऊपर देखें ये खिड़की है, मैंने आज गौर से देखा, मैं सोचता था ये क्या है, ये आज मैंने गौर से देखा बिल्कुल यहाँ के सामने ही हूँ, खिड़की है ये, ठीक है। तो ये गुंबद है रसूल खुदा है और ये जन्नतुल बकी है 360 गेट नंबर पर जहाँ से धूप निकल रही है।
ये रोज़ा मुबारक है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये सारी जन्नत है यार। खाली वो थोड़ी रसूल खुदा के यहाँ पाँव रखे बैठे आए, ऊँट में आए थे यहाँ पे मक्का से, ये है जन्नत बाकी। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं आया इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने वालदेन को भी बच्चों को लेके आऊँगा इंशाल्लाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराने के लिए इंशाल्लाह ताला। आज मैं खुद हूँ, सबको ले जाऊँगा अपनी फैमिली को, और सबको अल्लाह से दुआ करूँगा सबको तौफीक दे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने की। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। इंशाल्लाह यहाँ से मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाऊँगा, वहाँ भी जाके फिर थोड़े आंसू बहाऊँगा और दुआ करूँगा अपने लिए, तमाम मोमिन मोमिनात के लिए, और शुक्रिया अदा करूँगा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, उन्होंने मुझे यहाँ रिक्वेस्ट भिजवाया, आप आया हुआ आपके पास, बड़ा कुछ नसीब शुक्र खुदा का लाख लाख। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ मुबारक के पास में आया, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इस टाइम अंदर जाके अब ज़ियारत करता हूँ मैं। तो ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ मुबारक है, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हो सलाम अलैकुम।